देश में केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन केस को लेकर नया कानून लागू किया गया है। इसमें यदि किसी भी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को मौके पर रुकने के आदेश दिए गए हैं। यदि ड्राइवर मौके से फरार होता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना वहीं 7 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसका पूरे भारतवर्ष में पुरजोर विरोध भी हो रहा है। इसी का असर उज्जैन में भी देखने को मिला। उज्जैन में विरोध प्रदर्शन करते हुए वाहन चालकों व मालिकों ने दशहरा मैदान पर एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, अपनी मांगे रखी। वही रणकेश्वर धाम MR5 मार्ग मक्सी रोड पर वाहन चालकों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया गया। इसके अलावा इंदौर रोड स्थित मृत्युंजय द्वार के यहाँ पर भी टैक्सी ड्राइवरों चक्का जाम करते हुए कई घंटों तक यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे। वाहनों को यहां से आगे जाने से रोक दिया गया। यात्रियों को वाहनों में से उतार दिया गया। यात्रियों को वाहनों से उतारने के कारण यात्री खासे परेशान होते भी नजर आए। इसके अलावा सड़क पर बैठकर नए कानून का विरोध भी किया गया। इस दौरान यहां मौके पर पुलिस का केवल एक जवान व्यवस्था संभाले हुए था। लगभग 3 से 4 घंटे तक किए गए प्रदर्शन के दौरान यहां बैरिकेड लगाकर डायवर्जन मार्ग भी बंद कर दिए गए। वाहन संचालकों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, यह कानून काफी ठोस है, इसके कारण भविष्य में ड्राइवर्स काफी परेशान हो जाएंगे। दुर्घटना के बाद यहां रुके रहना ड्राइवर्स की जान को खतरा है। इसके अलावा जुर्माने की जो राशि है वह भी काफी ज्यादा है, जबकि ड्राइवर का वेतन 5 से 8 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होता। इधर अशोक यादव अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ उज्जैन ने बताया कि कई वर्षों पुराने कानून को बदला गया है, जबकि हमारे देश में इस तरह की सड़कें ही नहीं कि दुर्घटनाएं कम हो। यह जो नया कानून बना है इस पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। यह कानून न्याय संगत नहीं है। ड्राइवरों का वेतन नहीं होता है कि वह इतनी बड़ी रकम चुका सके। कानून में राहत देते हुए ऐसी व्यवस्था हो कि ड्राइवरों के हित में भी और आम जनों के हित में भी यह न्याय हो। सम्मत चीजें हैं कि आपको जो भी उस कानून से जिस क्लॉज से जिस अनुच्छेद या जिस धारा में उससे आपको आपत्ति है वो आप लिखित में एक अरे एक मांग पत्र दो कलेक्टर ऑफिस गए ना तो फिर जाके देखे आए तो यदि वो दे दिया मेरी फ्लाइट है दिल्ली के लिए इंदौर से तो अभी इंदौर जाने के लिए हड़ताल चल रही है हमारे ड्राइवर भाइयों की तो कोई भी उपलब्धि हमें है नहीं इंदौर जाने के लिए क्या लगता है 5 बजे फ्लाइट है अभी तो अभी पता नहीं कैसे पहुंचेंगे आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो कि श्रद्धालुओं को परेशान करना देखिए हर समस्या का समाधान होता है लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से उसे अपनाया चाहिए ऐसा मुझे लगता है क्योंकि इनमें से हमारी तो कोई गलती है नहीं आखिरकार आपका धंधा हर पूरे साल भर चलता है वो हमारी बदौलत चलता है फिर हमें तकलीफ दे के आपको ऐसा क्या फ़ायदा होगा गलत तो है यात्रियों को परेशानी हो रही है जाते समय हमें बताया नहीं था कि ऐसा ऐसा जाम लगा है उज्जैन से निकलते समय भी बताया नहीं गया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है आगे वहाँ से उतरने के बाद पता चलने लगा कि आगे ऐसे ऐसे रोक रहे हैं प्राइवेट टैक्सी वालों को जा नहीं दे रहे लोकल को भी नहीं जा दे रहे तो अभी आगे जाके पता नहीं कैसे क्या होगा कहाँ से कहाँ जाना था आपको क्या अब क्या स्थिति है क्या अभी उज्जैन से हमें जाना था इंदौर इंदौर से हम जा रहे थे आगे महाराष्ट्र वापस बट अभी लग तो नहीं रहा जा पाएंगे आज रेलवे की स्थिति भी पता नहीं है रेलवे को IRCTC पे 10 बजे तक बता दिया है बट 10 बजे की भी वो जाएगी नहीं जाएगी कुछ कन्फर्म पता नहीं है कितने परिवार के लोग आए हैं आपके साथ हम तो अभी 2 ही है बाकी और भी लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हमारे स्टेट से भी आए महाराष्ट्र से और कई जो केंद्र सरकार द्वारा जो काला कानून हम ड्राइवर भाइयों पे जो लादा जा रहा है हिट एंड रन केस या तो 10 साल की सजा और गाड़ी छोड़ के अगर भगता है तो 10 साल की सजा और नहीं छोड़ के भगता है तो पब्लिक मार देगी अभी इस स्थिति में ड्राइवर भाई हमारा कहाँ जाएगा पूरे भारत में हमारे केंद्र सरकार से निवेदन है आज 1 और 2-3 तारीख को जो हमारे ड्राइवर भाइयों की हड़ताल है उसमें हम सभी लोगों ने सहयोग हमारे बस एसोसिएशन उज्जैन ट्रक एसोसिएशन उज्जैन ट्रेवल्स एसोसिएशन सारे मिलके जो सहयोग कर रहे हैं आज यहाँ पर दशहरा मैदान में
जो हमारी हड़ताल है, हम सभी उज्जैन के जितने भी श्रद्धालु आए सबसे क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो हमारे ऊपर जो कानून लाया है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 1 और 2-3 तारीख को हम सारे उज्जैन ट्रेवल एसोसिएशन, सारे ड्राइवर भाई, संघर्ष ग्रुप के जितने भी सदस्य ड्राइवर भाई है, सब हड़ताल पर रहेंगे। ये ड्राइवर और बस चालकों का कुछ जो नया कानून बना है उसको लेके कुछ मांगे हैं, तो वो जगह जगह पर ये कर रहे थे, तो उनसे बातचीत करके सब जगह शांतिपूर्वक हटा दिया गया। अभी कोई जाम नहीं है और रोड सुचारू रूप से चल रहा है। आज सुबह से ऐसी छुटपुट घटनाएं मिल रही हैं, कहीं भी वो प्राइवेट वाहनों को रोक कर ड्राइवरों से बातचीत कर रहे हैं कि वो उनकी जो मांग है उनमें समर्थन करें। देखिए 100-200 साल पुराना कानून को बदला गया, आज हमारे देश के अंदर इस प्रकार की सड़कें और सुविधाएं नहीं है कि जिससे कि दुर्घटना कम हो। लेकिन जो नया कानून बना है, इस कानून को सरकार की मंशा इसी बात से उजागर होती है क्योंकि उसने ये देखा है कि यहाँ पर विपक्षी सांसदों को जिस प्रकार से उनको निलंबित करने के बाद ये कानून पारित किया गया, कानून बनाया गया, इससे जो छोटे रोजगार करने वाले जो टैक्सी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, जो वाहन चलाने वाले जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, वो ड्राइवर भाई को उनको इतनी कड़ी सज़ा का प्रावधान और इतनी मतलब हेवी अर्थदंड किया गया जो कि न्याय संगत नहीं है। वो इस रूप में है कि यदि मान लो एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर यहाँ से इधर जान बचा कर या नहीं भगता है तो उसको वहाँ पर लोग मॉब लिंचिंग की तरह उसको वहीं उसको जान से मार देंगे, या पर वो जब थाने पहुँचेगा उस समय पर जाके उसके परिजन उसको मार देंगे। तो कानून ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर की मतलब उसमें ये संशोधन भी किया जाना चाहिए कि जिससे कि अंदर के जो 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने वाला ड्राइवर, यदि ड्राइवर से किसी दूसरे की वजह से या किसी और कारण से हादसा होता है या कोई दुर्घटना होती है तो उसका तो परिवार ही पूरा जीवन उसका ख़राब हो जाएगा। उसको 10 साल तक की उसकी सज़ा का भी प्रावधान है, उसमें काफ़ी हेवी अर्थदंड है जो वो दे नहीं सकता। 5 हज़ार कमाने 10 हज़ार कमाने वाला ड्राइवर ये पैसा उसको किसी भी प्रकार से चुका नहीं सकता है और उसका परिवार के ऊपर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।